हेलो, हेलो प्रिंसिपल एडवाइजर टू द पीएम यस मैडम, हिज ऑफिस। सर एक्चुअली आई नो दैट आई शुड दैट यू आर नॉट रिलेटेड टू दिस बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जी सर बता। हाँ मैडम, सर 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक और 13 सितंबर को टोटल मिला के 25 लाख बच्चों की एग्जाम होने वाली है नीट और जेई। एटलीस्ट एग्जाम मैडम, सॉरी सर कौन सा एग्जाम की बात कर रही हैं? सर नीट और जेई। अच्छा, ओके। हाँ सर तो उस वो मतलब 25 लाख बच्चे अगर एक साथ इतने बच्चे आएंगे और सितंबर में कोरोना का रिस्क भी बहुत है इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस फाइल किए थे पोस्टपोनमेंट के लिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा और जो एजेंसी है एनटीए उसे एग्जाम कंडक्ट करानी ही है क्योंकि बहुत कम मतलब 98% लोग चाहते हैं कि पोस्टपोन हो पर बाकी चाहते हैं कि उसी दिन मतलब वह तभी कंडक्ट हो। तो एनटीए कह रहा है कि हम सारे एसओपीज फॉलो करके कंडक्ट करवाएंगे बट 4 एग्जाम्स कंडक्ट हो चुकी है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स KEM KCET यूपी बीएड और BEO एग्जाम्स और उनमें बिल्कुल SOP नहीं फॉलो की गई थी सर। हाँ तो अब हमें ये डर है कि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स आएंगे हमारी फैमिलीज है। पीएम ने कहा था मोदी जी ने कि इंडिपेंडेंस डे के दिन की वैक्सीन आएंगे तो हम बस इतना चाहते कि कुछ और टाइम मतलब सिर्फ एक डेढ़ दो महीने जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि एम्स के डायरेक्टर एक्स डायरेक्टर काफ़ी सारे IITs के डायरेक्टर वो भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा और पोस्टपोन हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम एकेडमिक सेशन हैंडल कर लेंगे। अब सर हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं है और हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि SOP फॉलो नहीं होती है। तो आप हमें एक ईमेल भेज दीजिए सेइंग ऑल दिस की और ये इम्पॉसिबल है इन लोगों के लिए SOPs को फॉलो भी कर पाना मतलब। हाँ सर क्योंकि आप भी समझिए ना 25-30 फुट का रास्ता है और उस पे आप 1000 लोग 500 स्टूडेंट्स और 500 पेरेंट्स उनको सोशल फिजिबल नहीं है ना आप हाँ मतलब सर आप लिखिए कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ सर और इसके पहले भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हाँ नहीं हुआ है। हाँ तो इन व्यू ऑफ दिस वी रिक्वेस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस ओके सर मतलब फॉर द प्रेजेंट पोस्टपोन कर दें एंड देन इट कैन बी अभी के लिए मतलब डेट डिसाइड ना करें और एज द सिचुएशन इंप्रूव्स। तो सर पीएम पीएमओ हेल्प कर पाएगा हमारी मैडम पीएमओ में क्या है ना हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए हैं जैसे हमारे यहाँ एक ग्रुप है जो लॉकडाउन और लॉकडाउन का जो एक्सिट प्लान है उस पर को डील करता है। तो ऐसे जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे उसमें एक जना नहीं उसमें 10 और 11 पर्सन उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं उसमें डॉक्टर्स भी हैं उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं तो okay. वो कंसिडर करेंगे इसको। बट हार्म इफ यू सेंड एन ईमेल बिकॉज अगर आप मतलब इन एनी केस इफ नथिंग हैपेंस तो आपके लिखने से भी यू हैव टू वेट है ना। हाँ सर हाँ और अगर क्योंकि होता क्या हम ट्वीट भी करें कई से हाँ सर हमने काफी ट्वीट भी किए 2-3 दिन से तो हम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। हाँ तो अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए होंगे हाँ तो सब सर लोग कर बन रहे होंगे चुके है ना। हाँ सर हमारी लॉयर भी है। हाँ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ईमेल भेज दीजिए ओके स्टेटिंग ऑल दीज एप्रीहेंशन दैट यू हैव एज पेरेंट्स और ओके सर मतलब ये फैक्ट्स है बिल्कुल जो आप स्टेट कर रहे हैं ना। हाँ सर इतनी सारी चीजें नहीं हो पा रही है मानो अगर इस समय सिचुएशन मार्च वाली होती या अप्रैल वाली होती तो भी हाँ कैसे कर लेते एग्जाम वही तो हम है ना। वही हाँ सर चलेगा मैं भेज दूंगी ईमेल थैंक यू सो मच सर। किस ईमेल आईडी पे भेजोगी बताओ हाँ वो भी है आपने तो ना पूछा ही नहीं ईमेल आईडी है ना। सर। हाँ सर ईमेल आईडी अच्छा दे अगर आप दीजिए। हमारे बॉस को भेजना चाहती हैं तो मैं आपको उनका देता हूँ हाँ अगर सर पीएम सर को भेजना चाहती है तो मैं पीएम सर का देता सर हूँ। दोनों का दे दीजिए मैं दोनों को अच्छा भेज दूंगी। हाँ तो पीएम सर का है PMH सॉरी पी मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस इस नाम ओके से है ना ईमेल आईडी तो कोई भी नाम से क्रिएट हो जाती है ना। हाँ सर कैपिटल की स्मॉल नो 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 ऑल स्मॉल ओके PMH हाँ 7 मतलब सेवन न्यूमेरिकल 7 ओके LKM मतलब लोक नायक मार्ग जो उनका LKM रेजिडेंस वाला एड्रेस है ना मतलब PMH7LKM हाँ @gov.in @gov.in ठीक है। ओके हाँ सर और जो मेरे बॉस का है जहाँ फोन कर रहे हैं उनका है पीके सिन्हा PK सिन्हा .PMO PK सर ये भी स्मॉल में हाँ ऑल स्मॉल ओके .PMO
@gov.in। ओके थैंक यू सो मच सर, प्लीज वेलकम। हमारी हेल्प कर दीजिए, नहीं नहीं आप नहीं तक आप हमारी डोंट आवाज वरी, आप पहुंचे। क्या, मैं कौन, भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन मुझे भी आपकी तरह ही उतना ही कंसर्न है जितना हमें आपको है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कह सुप्रीम दिया कि कोर्ट ने हम पता है कुछ क्या नहीं कहा कर है, पाएंगे। उनका मतलब है कि ये सब सबकी अप्रिहेंशन है। तो होता क्या, पहले हम अपनी एक रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लेना, कि जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सब लोग चाहते हैं ना कि हम ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, ठीक हाँ है ना। तो हाँ ये उनका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये उनको करना चाहिए, उन्होंने उनकी यही डायरेक्शन है। उन्होंने ओके ये भी नहीं कहा कि हम कुछ स्टे करते हैं, या ये भी नहीं कहा कि हम डिसमिस करते हैं, कुछ नहीं कहा ना उन्होंने। हाँ सर आप उसका जिक्र मत करिए कि आपने चलेगा सुप्रीम सर, कोर्ट में गए और ऐसा कहा। आप तो सॉरी सिंपली सर। गवर्नमेंट को कहिए, है ना, हाँ सर वो थैंक यू ठीक सो ना लगे, मच ऐसा सर। लगेगा जैसे उसमें एक एंगल, लीगल एंगल भी आ गया, है अच्छा सर चलेगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक ना, यू ठीक है। सर। तो आप एज ए स्टूडेंट बोल रही हैं या एज ए पेरेंट? और नहीं सर, अच्छा, मैं स्टूडेंट हूँ एक। आप स्टूडेंट, तो ठीक है, आपकी हाँ आवाज से सर भी लग रहा है यंग पर्सन, हम, ठीक है। आप थैंक यू जरूर सर। भेजिए है, हाँ सर मैं भेज देती और हूँ। हाँ मतलब अच्छे से बना के, और हाँ सर उसमें लिख दीजिए कि इसको जो भी आपने कहा है अभी वो हाँ स्टेक कर सर दीजिए ना। और उसके ओके पहले सर। वाला SOP भी फॉलो नहीं हुआ है, हाँ एंड इट इज सर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल हम आज। फोटोज भी अटैच कर देंगे तो चलेगा? हाँ, भेज दो, बेशक हम हाँ उसमें चलेगा सर, एज ए थैंक फ्रेशमैन यू हम उसको भी प्रिंट ले लेंगे ना। चलेगा, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, बेस्ट विशेस।